नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम निफ्टी में पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा सपोर्ट जोन अवेलेबल है निफ्टी के अंदर, और एक अच्छा गैप अप भी हमें मिला है, और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ये। देखिए, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम सेल साइड की पोजिशन लेंगे, लेकिन अगर ये सस्टेन कर पाता है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड की पोजिशन लेंगे। देखिए, काफ़ी समय से मैं इसे देख रहा हूँ तो ये एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, और एक बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल। देखिए, अभी मोमेंटम हमें नेगेटिव साइड का नज़र आ रहा है। देखिए, निफ्टी के पास भी अच्छा सपोर्ट जोन है और एक अच्छा गैप अप ओपन भी मिला है, लेकिन अगर सेलर ज़्यादा पावर लगा देता है तो यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है। तो हम दोनों साइड का मोमेंटम देखेंगे कि किस साइड मोमेंटम हमें तेज़ी से मिलेगा, उसी साइड हम एंटर कर लेंगे हमारी पोजिशन के अंदर। अभी निफ्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी पोजीशन अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हम पोजीशन सेल साइड की बनाएंगे, और ये अगर सस्टेन कर पाता तो हम यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। करंटली हमें 16,000 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। चलिए, वेट करते हैं, मार्केट में हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। देखिए, मोमेंटम अच्छा मिल जाता है एक्सपायरी के दिन तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं मिल पाता तो यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है। तो करंटली हमें 26,000 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखिए, तेज़ी से मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे, तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हमारा प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे हम। तो इसके लिए हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं मार्केट के अंदर। देखिए, आपको एक सपोर्ट जोन आ रहा होगा यहाँ पर नज़र, जो भी ये टच कर ही रहा है इसको जस्ट, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और यहीं हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल का हाई जो प्राइस है वो एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। तो दोनों ही अपने सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास में है, और एक सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। देखते हैं रिकवर कर पाता है या फिर वापिस नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। चलिए, एक बार वेट कर। साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, और बैंक निफ्टी अभी भी अपने पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ये इसका भी ब्रेक डाउन देता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे निफ्टी 41,450 रुपये बुक की है, जो कि इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोमेंटम हमें तेज़ी का चाहिए था इसमें, क्योंकि आज हम एक्सपायरी को ऑलरेडी देख रहे हैं, और अगर ये थोड़ा सा भी साइडवेज होता है तो हमारा सारा प्रॉफिट प्रीमियम डीके में चला जाएगा। तो इसी कारण हमने जो मोमेंटम था उसी को कैप्चर करने की कोशिश की है, और जस्ट मार्केट को ओपन हुए 15 मिनट्स हुए हैं और हमने हमारी पोजीशन को बुक कर लिया है। इसका कारण यही है कि आज एक्सपायरी है, और आज करंट डेट की एक्सपायरी में हमें जो प्रीमियम डीके देखने को मिलता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो अगर उसका हमें उससे बचना है तो जो हमें मोमेंटम मिल गया ऑलरेडी उसको हमें कैप्चर करना होगा। तो यही कारण था कि यहाँ पे हमारी पोजीशन को बुक हमने कर लिया। देखिए, निफ्टी में हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, देखिए अच्छा रिकवर भी कर रहा है। तो अगर ये जस्ट वन कैंडल हमारे जो ये रिकवर हो जाती तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हाफ हो जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रीमियम डीके वो काफ़ी तेज़ी से होता है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप थोड़ा सा जो मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर आप फोकस करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, यही इसी कारण के हमने जो हमारा प्रॉफिट था उसको जल्दी से जल्दी कैप्चर किया। जस्ट 15 मिनट्स के अंदर हमने जो भी हमारा प्रॉफिट बन रहा था उसको हमने कैप्चर कर लिया। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।